दिवाली के जश्न को लेकर दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल। दिए जलाने को लेकर छात्रों के दो गुटों में तनातनी। एक तरफ दिए जल रहे हैं, दूसरी तरफ हंगामा हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, जहां दिवाली का जश्न दो गुटों के अखाड़े में तब्दील हो गया। ये सब हुआ दिल्ली की जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में। बताया जा रहा है कि दिए जलाने का दूसरे गुट ने विरोध किया, इसी बात पर हंगामा हो गया और टेंशन बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस तैनात करनी पड़ी। रात को हुए इस विवाद का साइड इफेक्ट ये हुआ कि आज यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जयंती भी ढंग से नहीं मना पाए। वाल्मीकि प्रतिमा को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोक दिया गया। इस मामले में एबीपी न्यूज ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिहार में दीपावली और छठ की छुट्टी पर चली कैची, विरोध में टीचर, शिक्षकों के साथ बीजेपी। बिहार में पिछले साल तक दीपावली से छठ तक स्कूलों की छुट्टी होती थी, लेकिन इस साल दीपावली पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। छठ पर 6, 7 और 8 नवंबर की छुट्टी है। 1947 से लेकर के साल 2023 तक दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक लगातार छुट्टियां दी जाती थी। शिक्षक चाहते हैं कि दीपावली से छठ तक की छुट्टी दी जाए। शिक्षकों की इस मांग पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक छुट्टियां मिलनी चाहिए, ये एक सुविचारित निर्णय है और इसमें बच्चों का भविष्य निहित है। विरोध के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर दिख रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मांग पर विचार किया जाएगा। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। एक साथ सुनवाई के खिलाफ दाखिल रिकॉल अर्जी हाईकोर्ट से खारिज। हिंदू पक्ष की डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जजमेंट डिलीवरी में एप्लीकेशन A29 थी, उनकी A29 एप्लीकेशन डिसमिस करके उसकी फर्दर डेट उस पर 6 तारीख के लिए 6 नवंबर लगा दी। कंसोलिडेट करने की जो एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन था वो डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष ने अपनी रिकॉल याचिका में कहा था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं में असमानताएं हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग सुना जाए। साथ ही ये भी कहा था कि पोषणीयता तय होने से पहले केस आपस में क्लब नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए उसकी रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत इस मामले में अब 6 नवंबर को वाद बिंदु तय करेगी। ABP News आपको रखे आगे।